नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? कैसी है आपकी सेहत? तो आपको याद है राजा की तीन सीखे, कितना अच्छा हमने सीखा। ओके, तो बच्चों आज हम लोग उसी का ही करने जा रहे हैं अभ्यास, जिस पाठ का नाम है राजा की तीन सीखे। सो आर माय स्टूडेंट्स रेडी फॉर अभ्यास? लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। यस बच्चों, लेट्स स्टार्ट। किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। किसने किसे कहा? नाशपाती का पेड़ तो एकदम तेरा मेरा और सूखा था। नाशपाती का पेड़ तो एकदम तेरा मेरा और सूखा था। पहले पुत्र ने, दूसरे ने अथवा तीसरे ने? शाबाश, क्या बात है। नर्सेस, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर तीन बातों की गांठ बांध लो। मंत्री ने, तीसरे पुत्र ने अथवा राजा ने? यस, ये वाक्य कहा था राजा ने कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर तीन सीखे तीन बातों को गांठ बांध लो। Yes, our score is 100%. Very nice. चलिए चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर, जो कि है प्रश्न उत्तर। राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाकर क्या आज्ञा दी? राजा ने तीन पुत्रों को बुलाकर क्या आज्ञा दी? Let's see. राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाकर बारी बारी से चार चार महीने बाद नाशपाती के पेड़ के विषय में पता लगाने की आज्ञा दी। कम ऑन, रीड बन सके? राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाकर बारी बारी से चार चार महीने बाद नाशपाती के पेड़ के विषय में पता लगाने की आज्ञा दी। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, तीसरे पुत्र ने वृक्ष के बारे में क्या बताया? तीसरे पुत्र ने वृक्ष के बारे में क्या बताया? लेट्स फाइंड आउट। उसने कहा, तीसरे पुत्र ने बताया कि वह पेड़ बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। तीसरे पुत्र ने कहा कि वह पेड़ बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। ओके, और चलते हैं अभी तीसरे अभ्यास की ओर। चुनिए और भरिए, आइए आरंभ करें। साइड बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा के डैश पुत्र थे। राजा के कितने पुत्र थे? तीन। शाबाश, यस। राजा ने सभी पुत्रों को डैश में बुलाया। राजा ने कहाँ बुलाया सभी पुत्रों को? दरबार में बुलाया। तुम तीनों ही डैश के बारे में सही बता रहे हो। तुम तीनों ही वृक्ष के बारे में सही बता रहे हो। करेक्ट आंसर। चौथा है, मनुष्य के जीवन में भी डैश आते रहते हैं, उतार चढ़ाव। ठीक है, तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, और चौथा अभ्यास है, चुनिए और भरिए। सायर बॉक्स में से सही योजक शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। यस, पेड़ तो एकदम तेरा मेरा
तीसरी बात यह है कि अपनी बात को सही मानकर अडेग मत रहो। शायद पेन में कुछ कमी थी, डैश उस पर एक भी फल नहीं लगा था। शायद पेन में कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। Let's try this one. Yes. शायद पेन में कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। ठीक है, तो ये थे हमारे अभ्यास 1, 2, 3 और चौथा अभ्यास हम करेंगे इन आ नेक्स्ट क्लास। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट यू विल बी डूइंग ओनली इन योर टेक्स्ट बुक। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते नमस्कार बच्चों।